Hello everyone, welcome to our YouTube channel AMS Academy and I am Aishwarya Gupta, the Maths Faculty. And today, we will going to continue our chapter from class 11th, that is trigonometric functions. In our previous videos, we have studied some basic things about trigonometry, that is angles with its measurement units, that is radian measure and degree measure, and studied the very important relation, that is theta is equals to L upon R. So now we will continue with trigonometric functions. अभी तक हमने angle की बात की थी, अब हम बात करेंगे trigonometric functions की. So in class 10th we have already studied about trigonometric ratios. Ratios में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि कोई right angle triangle है और उसकी side के ratios के according हम कुछ trigonometric ratios बनाते हैं, जैसे कि sin theta जो कि होता है perpendicular upon hypotenuse या फिर cos theta that is base upon hypotenuse. But now we will generalize this concept into the function. Now ratios will be converted into trigonometric functions. और अब हम जब बात करेंगे angle की, तो हम बात करेंगे radian measure के respect में और इसी तरह हम किसी भी angle को निकाल पाएंगे. तो चलिए अगर हम बात करते हैं the trigonometric functions, then first of all we know for angle to be in radian measure we have to take a unit circle. तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास क्या है, एक unit circle है. So this is the unit circle. What does this mean? A circle having radius of one unit. यहाँ पर क्या मतलब है unit circle का, कि ये जो circle है इसकी रेडियस कितनी है? वन यूनिट है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्स, देन इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस रे ओपी आफ्टर रोटेटिंग सम डिस्टेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस एक्स, दिस इज द एंगल इन रेडियन मेजर. नाउ इफ दिस रे कम्स एट दिस पॉइंट दैट इज पी, अगर ये जो रे है यहाँ से स्टार्ट होकर इतना एंगल कवर किया एक्स और इस पॉइंट पर आ जाती है दैट इज पॉइंट पी, तो हमने मान लिया कि ये ए कॉमा बी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब ए कॉमा बी क्या है? ए है एक्स कोऑर्डिनेट और बी है वाई कोऑर्डिनेट. इसका मतलब क्या है कि इतनी डिस्टेंस क्या है हमारी? ए है और ये डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस पर क्या है? बी है. So now, what we know that if we talk about sin x, अगर हम बात करते हैं sin x की, तो देखिए यहाँ से sin x की वैल्यू क्या आएगी. sin x होता है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो sin x क्या होता है? sin x होता है perpendicular upon hypotenuse. तो देखिए हमारे पास perpendicular क्या है, यहाँ पर हमारे पास b है और hypotenuse क्या होती है? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो भी हमारी लाइन होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है. तो यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स अगर निकालेंगे तो साइन एक्स क्या आएगा? बी अपॉन वन. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या आएगा हमारे पास? कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज ए अपॉन वन. यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस ले ली कितनी? ए, ये ले ली बी, तो ये पॉइंट बन गया ए कॉमा बी. नाउ वी फाइंड आउट द साइन एक्स एंड कॉस एक्स. सो व्हाट वी हैव सीन हियर दैट ए इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू साइन एक्स. सो नाउ वी कैन डिफाइन दिस ए एंड बी एज कॉस एक्स एंड साइन एक्स. तो अगर हम ये कहें कि ये जो पॉइंट है P, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा cos x comma sin x, because here we have find out that B is equals to sin x and A is equals to cos x. Now if in this triangle we apply the Pythagoras theorem, अगर हम इस right angle triangle में Pythagoras theorem लगाते हैं तो वो क्या होगा? It will be equals to A square प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, और वन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वॉट? वन.
सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यहाँ से हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की. इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन व्हाट वी कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास इन आर प्रीवियस क्लास. तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है, और यही आइडेंटिटी हमारी रेशियोज के फॉर्म में बनी थी क्लास टेंथ में. और अब अगर हम बात करें रेडियंस की, तो रेडियन के फॉर्म में भी, यानी कि कोई भी एंगल अगर एक्स है और ये एक्स एंगल एक यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में बात की जाए इसकी, यानी कि रेडियंस में बात की जाए अगर इसकी, तो वो भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. एंड सिमिलरली इफ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इस इक्वेशन को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज एनी एंगल. सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. एंड दीज थ्री आइडेंटिटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रेडियन मेजर. So, these are some important identities. Now, let's discuss some of the facts related to this unit circle and let's find out some of the values of different angles with respect to this unit circle. तो चलिए बात करते हैं, अगर हम इस unit circle की बात करते हैं, तो देखिए हमें पता है कि अगर इस point को हम plot करें, that is A, अगर A point की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए पॉइंट बनेगा हमारे पास 1, 0, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस की तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज द रेडियस, सो इट इज ऑफ 1 यूनिट. तो एक जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 0, वाई एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ए पॉइंट क्या बन गया हमारा, 1, 0. Now similarly, if we move towards the point B, अगर हम बात करते हैं point B की, तो point B क्या बनेगा, point B बनेगा हमारे पास y axis पर तो one distance है, because O is the center and this is the radius, और x पर क्या है हमारी distance 0, तो ये point क्या बनेगा हमारे पास 0, 1. Similarly, if we talk about the point C, अगर हम C की बात करें, तो C point क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास x में तो वैल्यू है, और क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव, तो -1, 0, एंड दिस d पॉइंट इज व्हाट, इट इज 0, -1. रेडियस 1 है लेकिन क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पर है तो क्या आ जाएगा, -1. सिमिलरली ये नेगेटिव x एक्सिस पर है तो क्या आ जाएगा, -1. ऑल्सो वी नो दैट इफ a इज इक्वल्स टू cos x एंड b is equals to sin x, then here also, यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ये तो कोई भी जनरल एंगल x था, लेकिन अगर हमें पता है कि ray यहीं पर है, यानी कि अभी तक कोई एंगल सब्टेंड ही नहीं हुआ है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर हमारी रे है, तो इनिशियल पोजीशन में अगर रे है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos 0 1 है, यानी कि कोई एंगल, यानी कि cos 0. और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एंगल क्या है, साइन 0, क्योंकि एंगल क्या है, 0 है. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट व्हाट, दैट कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर टेबल दैट द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1. नाउ if we move towards this, that is if ray rotates like this and comes at this position, that is point B, iska matlab isne kitna angle cover kar liya,
इट इज 90 डिग्री. ये कितना एंगल कवर हो गया, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्रीज. तो 90 डिग्रीज को हमें पता है कि हम क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, पाई बाय 2. अगर हम रेडियन की बात करें तो 90 डिग्रीज क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, पाई बाय 2. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस पाई बाय 2 एंड दिस इज साइन पाई बाय 2. तो हमारे पास एंगल बन जाएगा एओबी. एंगल AOB इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2, दैट इज 90. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से दैट cos पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड sin पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पॉइंट C. अगर हम इस पॉइंट की बात करें, C पॉइंट की, तो यहां पर हमारे पास कितना एंगल कवर हो गया है, इट इज 180 डिग्री. कितना एंगल कवर कर लिया है हमारी रे ने टू कम एट दिस पोजीशन, दैट इज सी, 180 डिग्रीज. इतना क्या हो गया, 180 डिग्रीज. तो अगर 180 डिग्रीज की बात करें तो वो रेडियन में कितना होता है, वो होता है पाई के इक्वल. एंड वी नो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस पाई एंड दिस इज साइन पाई. So it comes out to be what if we talk about angle AOC, कितना आ जाएगा हमारे पास pi और cos pi, यानी कि cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, minus 1 and sin 180 is equals to 0. Cos 180 is minus 1 and sin 180 is 0. Similarly, now if we talk about this angle, that is if it covers this much angle, तो ये कितना हो जाएगा, 90 plus 90 180 plus 90 is 270. और 270 को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3π/2. सो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 3π/2. सो इफ वी टॉक अबाउट cos 3π/2, यानी कि cos 270 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से cos 270 की वैल्यू आ जाएगी 0 और sin 270 की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर 3π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1. क्या आ गई यहां पर हमारे पास वैल्यू, cos 3π/2 इज 0 एंड sin 3π/2 इज माइनस 1. सो नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव फाइंड आउट some of the specific angles of cos and sine with respect to this unit circle. Now, if we talk about this angle, if the initial side comes to its same position, yani ki agar dobara se yahan par hamare paas value jati hai to kitna cover ho gaya, ye ho gaya 360 degrees. Aur agar 180 degree pi ke equal hai to 360 degrees kiske equal ho jayega, 2 pi ke. So if we talk about this, यानी कि यहाँ पर फिर से अगर पूरा revolution करके हमारी ray आती है और यहाँ पर आती है, यानी कि 2 pi distance cover करती है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे cos 2 pi is equals to 1 and sin 2 pi is equals to 0. Cos 2 pi is equals to 1 and sin 2 pi is equals to 0. इसका मतलब cos 0 और sin 0 पर जो भी हमारी वैल्यू थी, cos 0 और sin 0 पर जो वैल्यू थी वही हमारी वैल्यू cos 2 pi और sin 2 pi पर आई है. इसका मतलब ये है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर cos और sin क्या रहते हैं, हमारे सेम रहते हैं. सो बाय सीइंग ऑल ऑफ दिस, व्हाट वी हैव फाइंड आउट और व्हाट वी गेट एज द रिजल्ट इज दैट cos 2n pi plus x is equals to cos x. यानि कि अगर हम किसी भी 2 pi के मल्टीपल में कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो वापस से वही एंगल आ जाएगा. जैसे कि हमने क्या किया था, हमने देखा था कि 2 pi के मल्टीपल में हमारी जो वैल्यू है वो वही आ जाती है, वापस से सेम आ जाती है. सो नाउ we lead to this result that cos 2n pi plus x is equals to again cos x. 2
2 पाई के बाद जितना भी एंगल होगा वो उसी के इक्वल आएगा, क्योंकि cos 2 पाई तक हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहेगी जो पहले वैल्यू थी। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट sin, देन sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू अगेन sin x। 2 पाई तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी जो कि हमारी इनिशियल पोजीशन पर थी। सो दीज आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज वी कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द एंगल यूजिंग दिस रिलेशन। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड आउट sin 13 पाई अपॉन 6, इफ वी हैव टू फाइंड आउट sin 13 पाई अपॉन 6, then we have to break it into the angles that we know. For example, pi by 6. Pi by 6 is what? Pi by 6 is 30 degrees. अगर हम pi by 6 की बात करें, तो pi by 6 क्या होता है? ये होता है 30 degrees. और हमें sin 30 की value पता होती है, क्या होती है? 1 upon 2. So, how we can find out using this relation? That we can break it into sin 2 pi plus pi by 6. अगर हम 13 pi by 6 को कुछ इस तरह से break कर लें, that is 2 pi plus pi by 6, then we know that 6 2 times is 12, 12 pi plus pi is 13 pi. And we know that sin 2 pi to n pi, यहाँ पर n की कोई भी value हो सकती है, then we know that sin 2 pi plus pi by 6 is what? Sin pi by 6. Sin 2 pi plus pi by 6 is equals to sin pi by 6, and we know that the value of sin pi by 6 is 1 upon 2. So the value of sin 13 pi by 6 is also what? It is also 1 by 2. Now we know that all the remaining functions, that is 10x, sec x, cosec x, cot x, this all depends on what? It all depends on these values of cos x and sin x. Because we know that 10x is equals to what? It is equals to sin x upon cos x. But depending upon what? It is depending on cos and sin values. So if we talk about this relation, अगर sin x और cos x की वैल्यू सेम रहेंगी, तो हमें पता है कि 2 पाई के हमारे साइकिल्स कंप्लीट करने पर 10x की वैल्यू भी क्या रहेगी, या 10 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो इफ वी टॉक अबाउट 10 2n पाई प्लस x, इट विल आल्सो बी इक्वल टू 10x, क्योंकि जब 10 डिपेंड ही हमारा साइन और कॉस पे करता है, और साइन और कॉस की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, तो 10 की भी क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं, 10x की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। सो आफ्टर द साइकल्स ऑफ 2 पाई 10x वैल्यू विल रिमेन सेम, एंड सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज cosec x, cot x एंड sec x। तो ये कंडीशन हमारी क्या है कि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगर हम इस पॉइंट पर, यानी कि इसके आगे किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे अपने एंगल की, तो वो किसके इक्वल होगी? वो उस एंगल के इक्वल होगी जितना उसने कवर किया है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस साइकिल। ये पूरे 2 पाई की साइकिल खत्म हो गई। अब अगर वो यहाँ तक आया है, तो अब सिर्फ इतना डिस्टेंस अगर हम ले लें, या इतना एंगल के लिए निकाल लें, तो वो क्या होगी? वो उस पूरी साइकिल के एंगल की इक्वल होगी। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरह से कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या रहती है, सेम हो जाती है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेरी या फिर फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू एवरीवन।